साफ सफाई एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए जरूरी है, और जितना साफ सफाई रखेंगे उतना हमारे और हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। ये बात जनपद CEO सिद्ध गोपाल वर्मा द्वारा ग्राम पासीसर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान कही गई। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि शासन के द्वारा चलाए जा रहे गंदगी मुक्त भारत कैंपेन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत और शासकीय कार्यालय में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पासीसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक धर्मेंद्र परमार सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज होने वाली पॉलिथीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। राजेंद्र मालवीय के व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। CEO वर्मा द्वारा भूरिया खजूरिया में भी स्वच्छता अभियान अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। स्वच्छता कार्यक्रम में महाकाल सेवा समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सहायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। DNU के लिए सुजालपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। क्या है, गंदगी मुक्त भारत बनाना है, और गंदगी मुक्त से भारत बनाने से मतलब है कि पॉलीथिन का उपयोग कम करें, है ना, अपने घर के आसपास साफ सफाई रहे जिससे अन्य बीमारियां ना फैलें, और इसके अलावा जागरूकता पैदा करना है कि अपना गांव कैसे गंदगी से मुक्त रहे। विशेषकर पॉलीथिन के उपयोग कार्यालय, ऑफिस, आपके घर, बच्चों के हाथों की साफ सफाई, आप जैसे देख ही रहे COVID-19 में कि नहीं, क्या बात हो रही ना कि हर 2 घंटे में 3 घंटे में साबुन से हाथ धोएं, है ना, नहीं है सैनिटाइजर, किसी भी साबुन से हाथ धोएं, उससे क्या है, उसे कीटाणु से अपनी मुक्ति मिलेगी। तो इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, 8 से 15 तक अलग अलग चरण दिए हुए हैं। 8 तारीख क्या करना था, 9 तारीख क्या करना था, आज अपना श्रमदान है साफ सफाई के बारे में। इसलिए पूरा एक कैंपेन पूरे जनपद में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल उसका संबोधन भी करेंगे। तो इसलिए आज सब इकट्ठे हुए हैं, और आज एक दिन की बात नहीं है, ये हमेशा जो है आपका कैंपेन चलता रहे जिससे गाँव में साफ सफाई हो और लोगों में इसकी जागरूकता आए।